आज का हमारा चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, चैप्टर नंबर 4। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज अ पॉइंट। तो अ पॉइंट डिटरमाइंस द लोकेशन एंड दे आर डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी एंड सी, ए बी सी एंड सो ऑन। जैसे पॉइंट को हम किसी भी चीज़ की लोकेशन हमें निकालनी है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट। जैसे हमने ये रखा, पेन की निब रखी यहाँ पर, टिप रखी, तो टिप का जो पॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड पॉइंट। पॉइंट को हम कैपिटल लेटर्स शो करते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, इस तरह से। सेकेंड डेफिनेशन इज अ लाइन सेगमेंट। तो द शॉर्टेस्ट जॉइन ऑफ पॉइंट ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड बी इज अ लाइन सेगमेंट। इट इज डिनोटेड बाई ए बी बार और बी ए बार। द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। यानी किसी भी लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होंगे और उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। ए बी को हम इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो स्ट्रेट होगी। दैट मीन्स ए बी, दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी। थर्ड इज अ लाइन। तो अ लाइन थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन एज ए बी। इट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, सो इट कंटेन्स अ काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स। समटाइम्स अ लाइन इज डिनोटेड बाय अ लेटर लाइक एल एम एन एंड सो ऑन। तो लाइन सेगमेंट जो लाइन सेगमेंट थी हमारी ए बी, उसको अगर हम दोनों साइड में इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दें देन दैट इज कॉल्ड द लाइन। यानी दोनों साइड में जब एक्सटेंड हो जाएगी तो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे और ये कहीं भी एंड नहीं होगी। तो इसको हम स्मॉल लेटर ए एल एम एन इस तरह से भी शो कर सकते हैं, या ए बी पर तीर का निशान इस तरह से दोनों साइड में, यानी दोनों साइड में इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कि इफ़ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यानी यहाँ पर हम देखें कि L1 और L2, इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट है P, दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यानी जो लाइन्स एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें दैट इज दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नेक्स्ट इज पैरेलल लाइन्स। कि लाइन्स विच डू नॉट मीट एट आर सेट टू बी पैरेलल एंड आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। इंटरसेक्टिंग के अपोजिट, जो लाइन कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आपस में ना मिले उनको हम कहते हैं पैरेलल लाइन्स। जैसे यहाँ पर L इज पैरेलल टू M, इसको हम इस तरह से लिखते हैं L पैरेलल टू M। नेक्स्ट इज रे। तो रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड गोज इंटरवेलसली इन वन डायरेक्शन, वी डिनोटेड बाय AP। यानी लाइन का ही एक पार्ट है, इसमें केवल एक एंड पॉइंट होगा A, दूसरी साइड उसको हम इनडेफिनेटली आगे बढ़ा सकते हैं। यानी एक साइड एंड पॉइंट होगा, वन एंड पॉइंट होगा इसमें केवल, और दूसरी साइड में इसको इनडेफिनेटली हम इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज द फिगर टू नेम। फिगर हमारा दिया है ये, इसको देख करके हमें आंसर देना है। फर्स्ट है फाइव पॉइंट्स। तो पॉइंट्स को हम कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं, लोकेशन जो हमारे बताते हैं, तो ओ बी सी ई डी, ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं। दूसरा है लाइन। तो लाइन हमारे काफ़ी सारे और हो सकते हैं, जैसे एक हमारा है डी, किसी भी दो पॉइंट को हम ले लेंगे तो वो हमारा लाइन शो करेगा। डी ओ, डी बी, ई ओ, ओ सी, इस तरह से कितने भी हम लिख सकते हैं। फोर रेज, फोर रेज हमारा डी बी, डी ई, ओ बी, ओ ई, ई बी, इस तरह से काफ़ी सारे हो सकते हैं, ओ सी ये भी हो सकता है। फाइव लाइन सेगमेंट्स, डी ई, डी ओ, ई ओ, ओ बी, ई बी, इस तरह से इसमें भी पांच ही लाइन सेगमेंट्स होंगे हमारे। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली टू लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द फोर गिवन। तो ए बी सी डी, ये चार पॉइंट्स दिए हैं इस लाइन पर। तो ए के साथ हम बाकी तीनों को लेंगे पहले, तो ए बी, ए सी, ए डी। इसके बाद बी के साथ बाकी दोनों को लेंगे, बी सी और बी डी। उसके बाद सी के साथ डी को लेंगे, सी डी। और इसके बाद इनको अपोजिट कर देंगे, तो ए बी का उल्टा बी ए, सी ए, डी ए, सी बी, डी बी और डी सी। तो इस तरह से ये 12 पॉसिबल वेज होंगे जिससे कि हम लाइन सेगमेंट्स पॉसिबल वेज में लाइन को लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी फिगर दिया है, उसको देख करके हमें आंसर देना है। तो यूज़ द फिगर टू नेम। फर्स्ट है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो काफ़ी लाइन हो सकती है, तो एक लाइन हमारी ए ई भी हो सकती है, बी ई भी हो सकती है, कई हम कई लाइन लिख सकते हैं, कोई एक होगी तो ए ई। अ लाइन पासिंग थ्रू ए, ए से होकर जाने वाली लाइन कई होंगी, तो एक है हमारी ए ई, ए बी भी हो सकती है इस तरह से। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ किस पॉइंट लाइन पर है, तो सी ओ या ओ सी, कुछ भी लिख सकते हैं। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स,
तो एक तो हो गया हमारा सी ओ एंड ए ई, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, एक पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ए ई और ई एफ ये दोनों ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट एंड टू गिवन पॉइंट्स। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं एंड काउंटलेस लाइन्स, और टू गिवन पॉइंट्स अगर हैं तो उससे केवल एक ही लाइन, ओनली वन लाइन पास होगी। फिफ्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ द रफ फिगर एंड, तो रफ फिगर हमें बनाना है। फर्स्ट इज अ पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो ए बी कोई भी लाइन है उस पर पॉइंट पी कहीं भी बना सकते हैं। दूसरा है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, तो एक्स वाई ये लाइन पी क्यू ये लाइन दोनों एम पर इंटरसेक्ट करती हैं। तीसरा है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, तो एक कोई लाइन एल है इस पॉइंट पर, इस लाइन पर कहीं भी ई और एफ पॉइंट ले सकते हैं, और एक पॉइंट डी कहीं भी ले सकते हैं ऊपर नीचे जो इस लाइन पर ना हो। फोर्थ पार्ट इज ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, तो ओ पी और ओ क्यू दोनों ये होंगी जो ए पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये मिलती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। सिक्स क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। तो ये फिगर दिया है हमारे यहाँ पर, इस लाइन को देख करके आंसर देना है। क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन, ये ट्रू होगा। एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन, ये ट्रू होगा। एम एन एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन, ये भी ट्रू होगा। ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ओ पी, ये फॉल्स होगा। एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ, ये भी फॉल्स होगा। एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि ये नीचे है। रे ओ पी इज फॉर डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी, तो ये ट्रू होगा। रे ओ पी इज सेम एज ओ एम, ये भी फॉल्स होगा। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, ये फॉल्स होगा क्योंकि ओ एम और ओ पी ये अपोजिट है। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, तो ये फॉल्स होगा। एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन टी एन एम, ये ट्रू होगा।